विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। देश में कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों बिल को लेकर घमासान जारी है। किसान इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 24 से 26 सितंबर के बीच पंजाब में रेल रोको आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं, तो वही मोदी सरकार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा राष्ट्रपति कोविंद ने मंजूर कर लिया है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। आजकल लोग कैश से ज्यादा उपयोग ऑनलाइन पेमेंट का करते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रयोग लोग मनी ट्रांसफर ऐप पेटीएम का करते हैं। लेकिन अब पेटीएम का यूज करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो उनके लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि गूगल ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। गूगल ने पेटीएम को ये कहते हुए प्ले स्टोर से हटा दिया कि वह किसी भी गैम्बलिंग ऐप का समर्थन नहीं करता है, यानी कि पेटीएम पर जुए से जुड़ी उसकी नीतियों का उल्लंघन करने के कारण ये कार्रवाई की गई है। हालांकि जिन लोगों एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में ये ऐप पहले से इंस्टॉल्ड है, वो ऐप काम कर रही है, लेकिन नई या फिर से इंस्टॉल करने के लिए अब पेटीएम गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त में भारत में कोरोना के 30 करोड़ मामले और 50 या 60 लाख मौतों की बात कही गई। मौजूदा समय में भारत में रोजाना कोरोना के 11 लाख टेस्ट हो रहे हैं, हमसे ज्यादा बस अमेरिका एक दिन 5 करोड़ टेस्ट करता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम जल्द ही अमेरिका को टेस्टिंग के मामले में पीछे छोड़ देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत ने कोरोना के प्रबंध में बिल्कुल देरी नहीं की। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 जनवरी को कोरोना के पहले मामले का जिक्र किया और हमने 8 जनवरी से ही बैठकें करनी शुरू कर दी। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि कोविड 19 से होने वाली मौत की दर फिलहाल दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे कम 1.64% है और सरकार का लक्ष्य इस मृत्यु दर को घटाकर 1% से भी कम करना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगले साल की शुरुआत में भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई जाने वाली फ्लाइट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताना चाहते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट पर दुबई में 2 अक्टूबर तक रोक लगाई गई है। दरअसल जयपुर से दुबई के लिए गई एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में एक यात्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है।